गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट है, एनर्जेटिक है, राइजिंग पाकिस्तान में, राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम 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 वेलकम, और सबीन कहेंगे आज नया अंदाज था, आज तौसीक ने कहा कि नए अंदाज में वेलकम आज होता है ना, जब आप कोई म्यूजिक सुनना शुरू करते हैं अचानक आवाज बहुत ज्यादा बरामद होती है, आपको पता लगता है नीचे बड़ी खाला आई नहीं, और बड़ी खाला बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, वो कहती है कितना ऊंचा म्यूजिक लगाया हुआ, फिर आप फौरन आहिस्ता करते हैं, फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा ऊपर करें, फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर बड़ी खाला का ख्याल आता है, फिर नीचे होता है, ये वो वाली ओपनिंग, वो आपने इसी तरह से वॉल्यूम अप एंड डाउन करके हमें आज बताया है, लेकिन क्योंकि आज आपने इतना, आज सुबह से वैसे आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ कि आते साथ ही म्यूजिक एनर्जी और वही सुर जो है आपने यहाँ बिखेरे, लेकिन आज राइजिंग पाकिस्तान में भी सुर बिखेरे जाएंगे, क्योंकि आज राइजिंग पाकिस्तान में हमने सोचा कि आप अपने हफ्ते की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करें, एनर्जी के साथ करें, तो आज ही निम्रा रफीक हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान की बेहतरीन सिंगर हैं, तो आज उनसे हम राइजिंग पाकिस्तान में बहुत मजे मजे के गाने सुनेंगे जी, म्यूजिक का सेगमेंट होगा आज। एग्जैक्टली, निम्रा कराची से तशरीफ लाई है, बहुत ही स्वीट आवाज है इनकी, बहुत ही खूबसूरत प्लेजेंट पर्सनैलिटी है इनकी, इनसे गपशप भी होगी और लाइव म्यूजिक भी क्रिएट होगा, बहुत अच्छा गिटार भी ये बजाती है, इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा आज एक बहुत अहम मौजू पे हम साथियों राइजिंग पाकिस्तान में बात करने चले हैं, और वो है हेप सी, हेपेटाइटिस सी। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 2-3 ममालिक में आता है जहाँ पे हेपेटाइटिस सी के मरीजों का लोड बहुत ज्यादा है। इस हवाले से डॉक्टर हसन अब्बास जहीर हमें ज्वाइन करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास जहीर, जो कि माहिर हैं इस सारी कहानी के ममालिक में किस तरह से हेप सी के रेशो को हम कम कर सकते हैं, सरकारी सतह पे, प्राइवेट सेक्टर, आम इंसान, हम सब ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम हेपेटाइटिस सी की बीमारी को इस मुल्क से भगा सकें, और आप खुदा ना खास्ता अगर हेप सी के मरीज हैं या आपके फैमिली में कोई है, तो आज का ये सेगमेंट देखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि डॉक्टर जहीर से, डॉक्टर हसन अब्बास जहीर से हम थोड़ा सा, अगर हेप सी पॉजिटिव हो जाए इंसान तो उसके बाद क्या पैनिक करना है, उसके बाद ये क्या मौत की घंटी है, या अब उसका इलाज किस तरफ को जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे, तो आज का सेगमेंट बहुत अहम, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, इसके अलावा आज राइजिंग पाकिस्तान में अहमद हमें ज्वाइन करेंगे थोड़े टाइम के बाद, काफी टाइम के बाद, बल्कि मैं कहती हूँ आजकल ये जितने बच्चे हैं ना, इनकी इतनी मसरूफियत चल रही होती है कि ये हमें वक्त नहीं दे रहे होते ये इनको एज ए चीफ गेस्ट हमें बुलाना पड़ता है, प्लीज हमें वक्त दे दें। देखिए, ये एक वजह होती है क्योंकि ये बच्चे इतनी अच्छी रिसर्च करके आते हैं और ऐसी ऐसी चीजें हमारे लेकर आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो है वो राइजिंग पाकिस्तान में आए और बच्चों को रिप्रेजेंट करें, हमें नई नई चीजें सिखाएं। आज भी अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, और आज मैंने सुना है तौसीक कोई सुपर कंप्यूटर्स लेकर आ रहे हैं, कंप्यूटर्स पे बात होने जा रही है राइजिंग पाकिस्तान जी में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्लाइड्स भी हैं हमारे पास, साढ़े को कंप्यूटर नहीं हैंडल होता और सुपर कंप्यूटर आने लग गया। अच्छा जी, बहरहाल अहमद जो है वो बड़े पैशनेट अबाउट सुपर कंप्यूटर, हमें बताएंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या है और सुपर कंप्यूटर से दुनिया के खासतौर पर क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल जो है उनको कैसे हल किया जाने लगा है। इंसानी जहन जो है ना बहुत ही कुदरत का करिश्मा तो है ही है, लेकिन ये बस इधर ले जाएं या उधर ले जाएं, बेहतर है कि इधर ही लेके जाएं और सुपर कंप्यूटर से पॉजिटिव जिंदगी के मसाइल जो है उनको पॉजिटिव हल की तरफ लेके जाएं। तो अहमद आज हमें अपने मखसूस अंदाज में बड़े पैशन के साथ एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इसके अलावा बुक लवर्स हो जाएं तैयार, क्योंकि शाहरुख नदीम आज हमें नई बुक्स का रिव्यू देंगे, और आज देखते हैं कि हमारे बुक रिव्यू सेगमेंट में किन बुक्स की रिकमेंडेशन हमें आती है। आप अगर कोई बुक रिकमेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शाहरुख नदीम उस पर हमें रिव्यू दें, तो आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें जरूर बताएं, हम आपका पैगाम शाहरुख तक जरूर पहुंचा देंगे कराची अच्छा जी, इसके अलावा जी हमारा होगा सोशल मीडिया की जहां बात हो रही है, तो आज सोशल मीडिया सेगमेंट होगा, उसमें आप हमें बता सकते हैं कि निम्रा रफीक से अगर आपकी कोई भी, आज आप बता दें कोई फरमाइश है कि वो आपको कोई गाना सुनाए, तो वो आप हमें जरूर बता सकते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई भी फीडबैक है, डॉक्टर हसन से कोई सवाल आप करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साथ साथ जरूर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जिसमें बहुत कुछ है, और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाते हैं कैसे।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज कुछ बात हमने करनी है सुपर कंप्यूटर्स की, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स की बात को करने के लिए, ये बात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सुपर डुपर क्लास फेलो अहमद हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? ठीक, वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो नया स्टाइल आज अहमद ने फेंका है, इसके बारे में आपने जरूर मुझे व्हाट्सएप पे बताना है कि कैसा जनाब, बहुत ही जबरदस्त जैकेट है। और ये जो ये फैशन ऐनक है या एक्चुअल नजर कमजोर? फैशन ऐनक है। ओ आज वो कट करें जी सिंगल पे अहमद के। ओ अहमद जी एनू कौन देखदा बाबे नु, अहमद दिखाओ। हां जी ये देखे यार, बड़ा सीन है ये, मुझे भी तुमने एक लाग देनी है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, क्या टॉपिक है? तो सिख सर, आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर किसी इवेंट पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग मुख्तलिफ प्रोफेशंस, किसी की अलग अलग स्पेशलिटीज होती होगी। तो अगर कोई बंदा आपको अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिस जो उसका प्रोफेशन होता है, उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एक टाइम आता आप ब्लैकआउट कर जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या क्या रहा है। होता है बिल्कुल। हाँ, अब आज के शो में भी एक ऐसा सा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको आसान लफ्जों में समझा दूं, ताकि ऐसा ना हो। प्लीज, ताकि मुझ जैसे आम शहरी जो है पाकिस्तान के, उनको ब्लैकआउट ना हो, है ना, बस तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी सोच और फिक्र के साथ जम हो जाए। डन हो गया जी, शुरू करो जी, बताओ क्या। पहली स्लाइड की तरफ बढ़े जी। कंट्रोल रूम, व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स? तो सर, इस चीज़ को एड्रेस करने से पहले हमें इस चीज़ की बात करनी पड़ेगी कि सुपर कंप्यूटर्स क्या चीज़ें नहीं है। सबसे पहले तो सुपर कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं कि इनकी वर्किंग में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं या उन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन वो सिमिलर नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है और सुपर कंप्यूटर्स एक हार्डवेयर है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया मुझे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद सुपर कंप्यूटर हमारे जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर होते हैं, जो हम ऑफिस में या घर में यानी डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, वो भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। हाँ, उन दोनों के बाज़ लोग समझते हैं उनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दोनों डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स सीरियल प्रोसेसिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, CPUs जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, उधर बेसिकली सारे टास्क के साथ डील किया जाता है, उधर एक काम एट अ टाइम करता है। अब सुपर कंप्यूटर्स में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, उधर मुख्तलिफ CPUs होते हैं जो हर काम के लोड को डिवाइड कर देती है। अच्छा। अब अगर इसके एक एग्जाम्पल दूँ, आप एक सुपर मार्केट पर जाते हैं, वहाँ पर एक कैशियर होते हैं, वो एक आइटम एट अ टाइम स्कैन करते हैं, उसमें ज़रा टाइम भी लग जाता है, ह्यूमनली पॉसिबल ही उतना है। लेकिन अगर हम अच्छे खासे कैशियर्स और ले आए 17-18, वो एकदम से सारा लोड डिवाइड हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी, स्पीड सब कुछ बढ़ जाती है और कस्टमर्स जल्दी निकल जाते हैं, लाइन लंबी नहीं लगती। एग्जैक्टली। अच्छा, सुपर कंप्यूटर एक तरह से अगर मैं समझने की कोशिश करूं अपनी आसान जबान में, तो मल्टीटास्किंग कर रहा हूं। हां, मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। अब सुपर कंप्यूटर की ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि वो एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है जो एडवांस नंबर क्रंचिंग के लिए डिज़ाइन किया गया। नंबर क्रंचिंग से मतलब वो डेटा को हैंडल करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसके सॉल्यूशंस निकालता है, उसको इनक्रिप्ट करता है और मशीन्स को एक्चुअली डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अच्छा, ये देख मतलब क्या इसका साइज भी बड़ा होता है? हाँ, इसके लिए ज्यादा ये वाली बात भी आ रही है कि सुपर कंप्यूटर्स के सबसे पहले तो स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी खासी होती है, उनकी इनपुट और आउटपुट कैपेबिलिटीज भी बहुत बेहतरीन होती है, और जिस तरह उसका नाम है सुपर, वो सुपर साइज्ड भी होते हैं, वो पूरे पूरे रूम्स को फिल कर देते हैं, 2-3 टेनिस कोर्ट जितने तो वो बड़े होते हैं। दो तीन टेनिस कोर्ट जितने तो सुपर कंप्यूटर्स बड़े होते हैं। टेनिस कोर्ट जिसमें हम टेनिस खेलते हैं जी, उतना बड़ा एक कंप्यूटर जी, सुपर कंप्यूटर, इतनी तो उनकी कैपेबिलिटीज़ है। सुपर कंप्यूटर्स ही हमारा फ्यूचर है। जिस तरह हमारी वर्ल्ड में हर चीज़ की एक मेजरमेंट्स होती है, जिस तरह सेंटीमीटर्स, मीटर, सेकेंड्स, आवर, डेज, इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी मेजरमेंट्स होती है, फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड। अब एक सेकेंड, ये बहुत, दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन इस मासूम से प्यारे से बच्चे के लिए, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ये। ठहरो, आहिस्ता, सुपर नहीं, क्या था एब्रीविएशन? फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड। हाँ, okay. इसका ये मतलब है जैसे जैसे सुपर कंप्यूटर की क्वालिटी या उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके साथ फ्लॉप्स बढ़ते जाएगी। यानी अगर आपको बेहतरीन सुपर कंप्यूटर चाहिए, उसके साथ ज़्यादा फ्लॉप्स होने चाहिए, तो एक उसके लिए मेजरिंग यूनिट है कि इतने मिलियंस फ्लॉप्स में इस तरह का आपको कंप्यूटर मिलेगा, और जहरी सी बात उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। अच्छा, कुछ और स्लाइड्स भी आपके कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
सुपर कंप्यूटर्स इन क्लाइमेटिक रिसर्च। अब सुपर कंप्यूटर्स ने क्लाइमेटिक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। हमारे जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा डेटा को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, हर चीज़ के मैथमेटिकल फार्मूलाज निकालना, उसके सिमुलेशंस बनाना। सिर्फ क्लाइमेटिक रिसर्च नहीं, वर्ल्ड में जो डिजास्टर्स होते हैं ना उनमें भी हेल्प करने। इस तरह हमारे पास सुनामीज आते हैं, सुनामीज के अब हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हर चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते कि एक ये पीस गिरेगा उसके साथ पूरी पूरी बिल्डिंग साथ साथ रोज में तबाह होती जाएंगी। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो सिमुलेशंस रन करते हैं, सिमुलेशंस का क्या मतलब, वो एक 3D मॉडल होता है उस चीज़ का, रियल लाइफ में नहीं वर्चुअली, जिसमें वो उस चीज़ को सेम चीज़ को फिर से एक बार वर्चुअली रन करते हैं और उसमें एरर्स के अगर हमें जल्दी से इवैक्यूएट करना है कौन सा रास्ता सही होगा और अगर हमें इधर से इधर पहुंचना है, सिटीजन्स को इधर से उधर लेकर जाना है वो किस तरह लेकर जाएंगे और किस तरह इस चीज़ का अफेक्ट होगा, उसको स्टडी करके हम उसके फास्ट सक्सेसफुल रिएक्शन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है, ये सारी चीज वो फिर सुपर कंप्यूटर हमें उसको 3D रन करता है, फिर हमें रियल लाइफ में अगर इस तरह कुछ फेस करना हो तो उसमें हमें दिखाता है कि किस तरह फेस कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग जबरदस्त भी। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? अगली साइड सुपर कंप्यूटर्स इन एरोस्पेस। ओके, अब सुपर कंप्यूटर्स एरोस्पेस से भी काम आते हैं, जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं, स्पेसशिप्स होते हैं, उनके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको ये भी 3D सिमुलेशंस में रन करता है सुपर कंप्यूटर। किस तरह के अगर हम इसको स्पेस में ले जाए स्पेस में किस तरह रिएक्ट करेगा, अगर हम इसके बाहर प्रेशर बढ़ा दें टेम्परेचर डिक्रीज कर दें उसमें किस तरह रिएक्ट करेगा। अब हम डायरेक्टली सोलर सिस्टम में तो नहीं जा नहीं अब हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो किस स्पीड पर रन करेंगे, लॉन्च से पहले, लॉन्च के बाद, लॉन्च होने के बाद अगर वो कंपोनेंट्स इजेक्ट होते हैं उनके अलग अलग, यानी उसके फिजिकली लॉन्च होने से पहले हम उसके वर्चुअल रियलिटी में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसकी अगर कोई हमें एरर्स मिलते हैं हम एरर्स को फाइंड आउट करके 100% रेट इंक्रीज। ये इस वक्त सुपर कंप्यूटर्स कहाँ पे हैं? अभी फिलहाल तो सुपर कंप्यूटर्स मेजर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, चाहे गूगल हो जाए, अलग अलग इंडस्ट्रीज है उधर यूज़ होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं और अभी फिलहाल उनको उनकी प्राइसेस भी डिक्रीज करी और उनको भी रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है, फिर वो हमारे अभी साइंटिस्ट की ये प्रेडिक्शन है कि अगले 100 ईयर्स तक भी सुपर कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल लाइफ में नहीं इंटीग्रेट हुए होंगे क्योंकि वो है ही इतने एडवांस। अभी फिलहाल तो हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर से अच्छा खासा काम चल जाता है। एग्जैक्टली, और दूसरी बात ये अहमद कि 100 ईयर्स आप कह रहे हैं लेकिन जितना तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, एग्जैक्टली जितना तेजी से कर रही है, यू नेवर नो। देखो 100 ईयर्स का मतलब अब से 2-3 जनरेशंस बाद, सो यू नेवर नो कि हमारे से तेज माशाल्लाह इंटेलिजेंट आपकी जनरेशन है, आपसे जो अगली जनरेशन होगी वो पता नहीं क्या मैजिक कर रही होगी, है ना? हाँ, क्या पता वो जल्दी एडवांस कर जाए। एग्जैक्टली, यू नेवर नो। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? सेम और ग्रे। तो सर, जिस तरह जब भी एक इस वर्ल्ड में एक नई एडवांसमेंट आती है, एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो रेवोल्यूशनरी होती है, लोगों को हैरान कर जाती है, उसका कोई ना कोई तो फाउंडिंग मेंबर होता है, इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स का फाउंडिंग मेंबर सीमोर क्रे को कहा जाता है। वैसे तो इन जनरल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं लेकिन सीमोर क्रे को मेन ठहराया जाता है। क्यों? सीमोर क्रे ने पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें कूलिंग सिस्टम होती है, चलो उससे ये कर दिया, उसके बाद उसने CDC 6600 बनाया, ये दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब्स के बगैर चलता था। अब सीमोर क्रे ने CDC की टीम को लीव कर दिया, उसने अपनी एक टीम स्टार्ट की, एक अपनी कंपनी लॉन्च की, क्रे रिसर्च इनकॉर्पोरेशन। अब क्रे रिसर्च इनकॉर्पोरेशन ने सबसे पहले CRE-1 लॉन्च किया, ये भी एक सुपर कंप्यूटर था और ये उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। ओके, ये बहुत साल पहले की बात है, 1970s, 1960s, 1980s के टाइम्स की बात है। उस टाइम से सुपर कंप्यूटर एक्चुअली बनने शुरू हुए थे। अच्छा, उस वक्त से मैंने समझा ये सुपर कंप्यूटर कोई नई हाल ही की कोई, उस वक्त एक्चुअली उनके ऊपर रिसर्चिंग, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया कि हम किस तरह सुपर कंप्यूटर्स को अच्छी खासी इनके एल्गोरिथम्स और किन-किन चीजों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अब सीमोर क्रे ने इसके बाद CDC, अब इसने CRE-1 बना लिया, CRE-1 के बाद इसने CRE-2 को इन्वेंट किया। CRE-2 में ऐसी क्या चीज थी, फर्स्ट टाइम मल्टीपल उसने CPUs इसमें इस्तेमाल किए थे, इस बार उसने 8 CPUs उसमें इंटीग्रेट किए हुए थे, 8 CPUs एक कंप्यूटर में, और उसके साथ उसने एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी इंटीग्रेट की। आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसी ऐसी नई नई छोटी छोटी लेकिन ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट की जिसने एक्चुअली सुपर कंप्यूटर सबसे पहले उसने बनाए, फिर जिसने एक्चुअली रेवोल्यूशन की तरफ एक चीज़ चेंज लेकर लिखी। ओके, तो सीमोर क्रे का नाम एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री में लिखा गया। हाँ, हिस्ट्री में लिखा गया। एग्जैक्टली। एक और स्लाइड भी है जी, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम भी इतना महव है
अहमद की गुफ्तगू में कि हम भूल ही गए कि हमारे पास स्लाइड्स कितनी रहेगी। ये क्या है जी? फुगाकू, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। अब जिस तरह हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स होती है, चाहे चाइना हो, यूएस हो, अलग अलग सुपर पावर्स होती है, इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री में भी अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं जो टॉप रैंकिंग्स में होते हैं। यूजुअली तो काफ़ी टाइम से यूएसए और चाइना के सुपर कंप्यूटर ज़्यादातर टॉप रैंकिंग में होते थे, लेकिन इस पर फुगाकू जापान का एक सुपर कंप्यूटर था जो एक्चुअली टॉप रैंकिंग पर आया। उसने बाकी सुपर कंप्यूटर्स को 2.8 टाइम से बीट कर दिया और ये 400, जैसा मैंने आपको पहले बताया था फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड्स होते हैं वो एक मेजरमेंट होती है, इस बार वो 415 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड पे पहुंच गया था। यानी वो सुपर कंप्यूटर्स में एक बहुत बढ़िया ऑन हो गया फुगाकू का, बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी। अब फुगाकू का क्या काम था? एक्चुअली कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसके क्योर्स निकालने में फुगाकू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। किस तरह ये पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्प्रेड करते हैं हमारे टच के थ्रू। अगर एक ट्रेन स्टेशन में ट्रेन चल रही है, उसकी विंडोज ओपन है, किस तरह वहाँ से ड्रॉपलेट्स इधर उधर जा रहे हैं। अगर एक पार्टीशन हुई हुई दीवारों के दरमियान में, किस तरह पार्टिकल्स और ये ड्रॉपलेट्स फ्लो कर रहे हैं, उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने में किस तरह वो फ्लो कर रहे हैं, जिस तरह वो स्टार्ट हुए हैं और किस तरह उनको एंड कर सकते हैं, इसकी रिसर्च से बहुत हेल्प करती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब देखें, जब COVID-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन की जब हम बात कर रहे थे, उसके तदारुक की बात कर रहे थे, तो ये मुझे आज पहली बार पता चला है कि एक सुपर कंप्यूटर, एक्चुअली उसकी 3D simulations run की गई, जिसमें हर droplet को इस एक point से एक point में किस तरह वो spread होता है, exactly उसको show किया था। spread कैसे होता है, ये computerized सारा system था उसकी। well, interesting, very interesting। अब अगली slide पे चलते हैं जी। भाई आज तो बड़े मुझे नई इंफॉर्मेशन मिल रही, क्वांटम कंप्यूटर वर्सेस सुपर कंप्यूटर। ना डरा अहमद, ना डरा, मुझे हुन क्वांटम कंप्यूटर भी आ गया। अब ये क्या क्वांटम कंप्यूटर? तो फिलहाल अभी उतना ज्यादा इन कॉमन यूज में नहीं, सुपर कंप्यूटर से तो बहुत ही कम यूज में है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स के यानी कहते हैं ना, एक चीज का एक बाप होता है, क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स का बाप है। सुपर कंप्यूटर्स अब अच्छे खासे क्वांट्रिलियन टाइम्स में तो थे ही, अब क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से 158 मिलियन टाइम्स बेहतर है। क्वांटम कंप्यूटर तो एक नई चीज है, अगर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर चलती है। अच्छा, ये अगर 5 मिनट और सेगमेंट चलता रहा तो पता नहीं अहमद मुझे ऐसी कोई खबर सुना दे कि मुझे लगेगा कि हम तो पत्थर के जमाने में रहते हैं। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर भी आ रहे थे। अब ऐसी क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसी चीजें जो 4 मिनट में कर लेते हैं ना, ये सुपर कंप्यूटर्स को तो 10,000 साल लग जाते हैं उन चीज़ों को करने में, इतना उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब क्वांटम कंप्यूटर्स को हम अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह जहाँ पे ह्यूमंस एक्चुअली रीच नहीं कर सकते, जिस तरह हम अब सन के कोर में जाके उसकी रिएक्टिविटी को नहीं देख सकते, लेकिन हम क्वांटम कंप्यूटर्स में एक्चुअली वो करेक्टरिस्टिक्स लगा देते कि इतना इसका टेम्परेचर है, इतना इसका प्रेशर है, तो अगर हम इसमें अगर अपना रॉकेट ले जाएं इस तरह तो क्या होगा, क्या होगा अगर हम फार अवे गैलेक्सीज में किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जाए, तो उधर अगर हम किसी यूनिवर्सिस की कोलिजन की बात करें, अलग अलग चीज़ों की, हम उसको किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, तो उसकी 3D मॉडल रन करते हैं हर एटम से लेके बड़ी बड़े यूनिवर्सिस तक, इसमें हम चीज़ें रन कर सकते हैं। वाह 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 भाई, आज बड़े अरसे के बाद अहमद ने रौनक बख्शी है हमारे सेट्स को, लेकिन लुत्फ आ गया। और अहमद जब भी आते हैं बहुत अच्छी रिसर्च करके लाते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब कौन सी क्लास में पहुंच गए? अब तो मैं 9th में पहुंच गई हूं, ओ लेवल्स 1 में, और फ्यूचर प्लान्स मैंने कंप्यूटर ही एज अ सब्जेक्ट चूज कर लिया है। ओह वेरी गुड, तो मुझे लग रहा है कोई सुपर कंप्यूटर का कोई सुपर साइंटिस्ट बनने वाला है अहमद, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर क्लास फेलोज एंड आवर फ्रेंड्स लाइक यू अहमद। आप और MBA और गौहर और लवेरा और ये सब जो हमारे राइजिंग पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, ये इतने अच्छे तरीके से रिसर्च करके लाते हैं कि हमें तो जानने को बहुत मिलता है, लुत्फ आता है। आपको अहमद का आज का सेगमेंट कैसा लगा? आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताना है कि आपको भी अगर सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर्स में कोई इंटरेस्ट है तो अपनी राय से हमें नवाजिए। अपना नाम और जगह का नाम आपने ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच जिगर, छा गए आज तुम, बहुत मज़ा आया मुझे। चल करेंगे जनाब एक राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर जहीर, डॉक्टर हसन अब्बास जहीर हमारे साथ होंगे, और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू यानी कि हेपेटाइटिस सी, उसका स्प्रेड, उसका तदारुक और उसका इलाज, इस हवाले से आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फीचर करने जा रहे हैं। रहिए हमारे साथ।